एक मैं बढ़िया सी चीज सुनाऊंगा, दो मिनट की है वो, सचमुच वो पांच पांच करके कई देर सुना गया था ना, मैं दो ही मिनट सुनाऊंगा ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैगी की तरह कम आना चाहिए ना, बहुत देर हो गई। हाँ, जो बीच बीच में एंकरिंग भी ऐसे कर रहे हो भाई, आप एंकर हो मैं टैंकर हूं, अब बैठ जाओ, बैठो प्रभु बैठो। हे शेर लॉयंस, हाँ सर अच्छा लग रहा है, क्या करो अच्छा सुनाऊ, इससे अच्छा नहीं जी मेरा आप सुनाऊंगा, चलो अगला अच्छा थोड़ा तेज कर दे भैया, है क्या आवाज तेज कर दे, मेरे को जोर लगाना पड़ रहा था, अब आ रही है। हाँ ये सही, चलो अब एक मास्टर पीस है, दो मिनट का बहुत मजा आ जाएगा। स्वागत सर, सबसे पहली बार बर्फी मैंने जब चेक की थी, जब आप जैसे कोई वीआईपी हमारे घर आया था, तो जब ऐसे साहब आते हैं आप जैसे बढ़िया आदमी आते हैं ना, तो मेरे बाप की आत्मा जगती, भाई उसके लिए बर्फी ला नमकीन ला, मैं लाता और ध्यान यही रखता कि छोड़ दे तो अपना भी नंबर आए। लेकिन सर कई मेहमान मेरे जैसे होते हैं बेसब्र, उनने कभी कुछ देखा नहीं होता है, वो बर्फियों को ऐसे खाता है जैसे गंडा सा चाल रहा हो, अंदर ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। फिर मेरे पापा मंगवा तो भाई इनके लिए बर्फी ला, 100 रुपए पाव बर्फी ऑथराइज था, लेकिन लाता आधा किलो, बाप का नाम लिखाने में पड़ी क्या जोर आ रहा है, ली बर्फी, रास्ता देखता सुनसान, इधर देखा उधर देखा, पैकेट खोला, एक बर्फी तो तेरी मेहनत की बढ़ती, एक बर्फी उठाई कब्दनी भीतर, फिर मैं सोचता ये अकेली जी जी बात किससे करेगी, एक और खा ले, ऐसे करते करते पाव जी जी पेट में आओ, बहन चुगली करे, करवा चौथ की कथा सुनाए, गोलमेज सम्मेलन करे, फिर मैं घर में जाकर सर सबसे छोटी प्लेट ढूंढता, छोटी प्लेट का फायदा ये होता है उसमें नमकीन डाल दो आप और अपनी बुरक भी दो तो काम चल जाता है, है। फिर मेहमान के सामने लेके जाता, मेहमान अक्सर बैठक में थोड़ा दूर गए, हरियाणा में तो होते पता नहीं आओ कि थोड़ा दूर जाता, तो फिर मैं रस्ते में देखता 6:30 आधा तो ज्यादा है, इंसाफ होगा बराबर होगा, आधा पीस खाया गबदड़ भीतर, फिर मम्मी पीछे से आवाज लगे, अरे चाय ले जा, फिर मेहमान के सामने सर रखता, जंगले में खड़ा होकर कड़पता, कहीं ये सारा सारे नहीं खा जाते। लेकिन सर कई मेहमान तो खा जाते हैं, लेकिन कई मेहमान होते हैं बहुत बढ़िया, ऐसे होते हैं भाई सुधांशु जैसे, जोशी सर जैसे, भाई साहब जैसे, सुशील जी जैसे, सर आप जैसे, ये मेहमान क्या होता है बर्फी को ऐसे हाथ लगाते हैं जने इसका तकलीफ हो जाएगी, मामूली सा हाथ लगाएंगे चोट नहीं लग जाए, दूसरे साहित्यिक शब्दों में कहो तो बर्फी को ऐसे खाते हैं जन बर्फी की मांग भर रहे हो, जाओ जीवती रहो सदा सुहागन रहो तेरा जोड़ा बढ़िया रहे, ऐसे लोग है लव वेरी मच टू मच मचा मच। अब भाई साहब घर में सारे दिन एक जैसे थोड़ी होते, पहले मैं तुलवा के जाता तो कोई नहीं मिलता, अब मैं तुलवा के जैसे घूमता छोटा भाई खड़ा मिलता रात जैसा, तुलवा लिखे अरे मतलब पार्टनरशिप तू तो हमेशा ही से देखो, उसके बाद में वो व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती, फिर मैं भाई साहब जैसे मेरे मित्र हुआ करते, मैं कहता सर 2 किलो बर्फी में एक सांस में खा सकता हूँ, तो ऐसे आदमी बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, 60 × 120 की बर्फी 1000 की शर्त 880 बचेंगे, इससे 2 किलो नहीं खाई जाएगी, तो जब लालच आ जाए ना तो अपनी दूसरा आइटम ठोक देना चाहिए, आज मेरा पर्स गायब हो गया यार आप मंगवा लो, 2 किलो मंगवाता सर, फिर मैं खानी शुरू करता, पाव आधा किलो, 3 पाव खाते खाते मेरी नसें तन जाती, आंखें बाहर, खाई जाती जितनी खा लेता, नहीं तो जरूर खा लेता, आए, आए, आए। अपने कौन सी इज्जत, और इसका आखिरी सीन बढ़ेगा जब है, मेरे पापा बोले देख तू नौकरी लग गया अब जाके लड़की देखी आ, मैं तो पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा, तो बोला तेरा बाप भी बना है कलेक्टर, और एक बात का ध्यान रखना सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी, फिर मैंने दिमाग लगाया जो मेरे में था भी नहीं, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी तो मैं देखूंगा क्या, आए, आए। अब सीन में बड़ा गजब है सर, सामने वो कन्या माता, इधर उसके चाचा, इधर मेरे चाचा, दोनों बात कर रहे, आओ भाई साहब
कर दिखाए, वो सीन में से गायब हो गए। नौजवानों को बता रहा हूं, अब सीन में कौन बच गया? सामने वो बालिका विश्वविद्यालय, बीच में मेज और मेज पे बर्फियां, और जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं टलता। जैसे ही मैंने बर्फियों पे हाथ रखा तो जो कन्या माता नीचे देख रही थी ना बेटा, उसके मच्छर लड़ा, पता नहीं क्या हो, उसकी गर्दन ऊंची हो गई और मेरी चौरी पकड़ में आ गया। अब सीन ये बन गया, यहाँ बर्फियां, यहाँ उसकी मुंडी, यहाँ मेरी, ऐसे लग रहा था चंद्र ग्रहण हो रहे हो। पर लड़कियां बहुत अच्छी होती है, माताएं बहने बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत अच्छी थी। उसने मेरी तरफ देखा और एक इशारा करा जो जिंदगी भर मुझे तो याद रहता है, आपको भी रहेगा। आखिरी इशारा बड़ा जोरदार था उसने, उसने मेरी तरफ देखा और एक ही बोला, जेब दे तो था। क्या बात है, बेटियां वाकई अच्छी होती है। तो बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। और रिलायंस क्लब ने एक शानदार नींव हमारी डाली है, इतने बढ़िया गेस्ट और इतने बढ़िया ऑडियंस मुझे कभी नहीं मिली। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हर किस नहीं पलने देंगे। अरे अब न सहेंगे, मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है। उठ बैठो बहरोड के वीरो, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी। कतई टेंशन नहीं लेनी चाहिए सर, टेंशन से मेरी मिसेज की चश्मा चढ़ गया। उसने चश्मे को थोड़े दिन बाद यहाँ रखना शुरू कर दिया तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। और वो दिन भारत के इतिहास में ही नहीं, विश्व के इतिहास में लिखा गया, जब एडीजे साहब बैठे हैं, नई पंक्तियां लेना मुकेश बाबू, राणा तबस्सुम आपसे सुनना, इसलिए सुनना का आप मुंबई से आई हो और मुशायरों में जाती हो, मेरी ये बातें उनको भी सुना। रात को कोर्ट खुली और क्यों खुली? एक आतंकवादी को फांसी देने के विरोध के लिए हमारे में से कुछ लोग कोर्ट के दरवाजे में पहुंचे, लेकिन न्यायपालिका कैसी है? साधारण नहीं होते साहब, जज साहब आपको क्या लगता है जब ये फैसला लिखते हैं? ये वो कलम है सर, जब न्यायपालिका अगर सही नहीं होगी तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज जब आदमी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और समस्त जगह से ठोकर खाता है तब इस न्याय की शरण में आता है और ये न्याय मिलता है सर। तब 6 पंक्तियां कहना चाहता हूं जो मेरी बहुत वायरल हुई, कि आधी रात को बचाने के लिए सांप को, आधी रात को बचाने के लिए सांप को क्या कहोगे ऐसे भूतपूर्व आपको? प्रशांत पूछो, आप पार्टी का दर्शन हो। आधी रात को बचाने के लिए सांप को क्या कहोगे आप ऐसे भूतपूर्व आपको? उसने कहा, श्रीमान तर्क देखना उनका क्या है, उसने कहा, श्रीमान ये सांप है, काटता है, आस्तीन के भीतर रहकर भीतर तक चाटता है। श्रीमान ये सांप है, काटता है, आस्तीन के भीतर रहकर भीतर तक चाटता है। न्यायपालिका ने भी परिभाषित कर दिया, न्यायपालिका ने भी परिभाषित कर दिया इस्लाम को। जो काम नेता नहीं कर पाए, मौलवी नहीं कर पाए, पहला फैसला था जो न्यायपालिका ने करा, आज भी नहीं कर पाए। आज बात चलती है ना जिन्ना की, किसी और चीजों की, जो नहीं कर पाया भारतीय न्यायपालिका ने किया, कि भारतीय न्यायपालिका ने परिभाषित कर दिया इस्लाम को, आतंकवादी को फांसी दी और देश का सलाम कलाम को, देश का सलाम कलाम को, ऐसे एडीजे साहब हमारे बैठे हैं। ये चेंज मैंने इसलिए किया कि कविता की ओर लेके चलना चाहता हूँ, गजलों की ओर लेके चलना चाहता हूँ, एक ऐसा स्वर जो पूरे भारत में आज रोशन हो रहा है। धीरे धीरे हम इस कवि सम्मेलन को खोलेंगे, एक स्वर जो राज शेखावत के नाम से जाना जाता है, राजकुमार सिंह राज, जो खेतड़ी से हमारे बीच आते हैं, लायन सुशील जी ने उन्हें कोटपुतली सुना और कहा कि राज भाई को यहाँ लाए। एडीजे साहब जब आप बैठे हो, भाभी साहब बैठे हैं, तो कुछ कविताएं होनी चाहिए जो हमारे भीतर तक आए, आगे बढ़े। राजकुमार सिंह राज के लिए एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं, राजकुमार सिंह राज जो हमारे बीच खेतड़ी से है।
एक बार पुनः आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा अभी तक आप लोगों ने सुना है। अगर आपको लगा है कि लॉयंस क्लब ने आपको एक यादगार शाम दी है तो एक बार लॉयंस क्लब के लिए जानदार तालियां बजाइए। कवि सम्मेलन का मिजाज थोड़ा सा टेढ़ा होता है साहब, जो बात दिल में वो बात जुबान पर। एक उदाहरण के तौर पे समझ जाइएगा, मारवाड़ी आवे ने, मारवाड़ी सबने समझ में आवे? बिल्कुल। हाँ, आनी है थे कुड़सा इंग्लैंड हुआ है। एक ताई जी ने कोर्ट में गवाही देने जयपुर जानो भैया, इको बंद कर दो। तो जिया ही विटनेस बॉक्स में ताई जी पूछा, विपक्ष को वकील बाबा रुतबो जाड़न खातर पूछो, बोले ताई जी मुझे पहचानते हो? ताई जी रुतबो बोली, बोला अच्छा तने माड़िए डाको कोई तो है तू, तेरी लुगाई बाज की थी। वाह, वो जने आता आप गलत पंगो ले लियो। वो दूसरा वकील का नहीं आंगली करी, बोले इन्हें जानोगे? बोले ओहो दीनिया लुहार को खूब जानो आया, तेरी लुगाई भी यही कैसा के बाकी है, है। अति बात जज साहब सुन रहा, जज साहब टेबल टोपी डेस्क, बोला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बस दोनों वकीला ने मायने बुलाया चैम्बर में और बोले बोले देखो लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा अगर तुमने ताई से मेरे बारे में कुछ पूछा तो। क्या बात। कवि सम्मेलन का मिजाज ऐसा होता है, जो बात दिल में वो बात जुबान पर। मैं प्रतिगीतों से बात करता हूँ, प्रतिगीत यानी कि पैरोडियां, कुछ गाने जो बहुत फेमस हुए फिल्मी गीत, उनकी ही धुन तर्ज शब्द कुछ फेर बदल के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। भाई जी बैठा दिया जी। आज की रात का खतरनाक आइटम भाई। जाने क्या क्या रंग दिखलाए, अब थोड़ा सा इसको बोल दो भाई। जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी, सुशील जी भाई साहब और सुधांशु जी भाई साहब, मैंने तो कांग्रेस का आदमी न मैं बीजेपी का आदमी, आदमी में मायावती का और ममता बनर्जी का भी बनी। मैं कवि हाँ, कवि वो लिखता है जो कवि को दिखता है। जाने क्या क्या रंग दिखलाए मोदी शाह की जोड़ी, पप्पू खाट लिए फिरता है बिना चढ़े ही घोड़ी। ओ हो 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 हो, कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। कवि सम्मेलन का शुरुआती दौर है, ये ट्रेलर है पिक्चर बाकी और है। सबका पेट दुखे हंस हंस के, पर ना हाथ रखो यूं कस के, अरे आनंद दुगना हो जाए घर मिले तालियां थोड़ी। ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता नाड़ होती नाड़। ये वो मंत्र है जिसका 3 बार दिन में रटने से वो पड़ोसन जिसे आप घूर घूर कर देखते हैं, इस मंत्र के प्रताप से अगले ही रक्षाबंधन आपके घर आती है। वाह वाह वाह, और आपके राखी बांध कर जाती है। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, एक बंद आंख बाबा। वाह, पहचान गए बंद आंख बाबा। देश में बाबा और नेता मालिक अद्भुत काम हो रहा है सर, मैं बताऊं आपको। एडी जी सर, दो ही नेता है देश में, एक मोदी जी एक योगी जी। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऊपर से शौचालय बनवाओ। भाई जी से न खान दो न खाओ, शौचालय में बकरी बांध लागे। क्या बात है। दूसरे योगी जी शादी नहीं की और कहते हैं कि जो सुख मैंने नहीं लिया, वाह, दूसरे को लेने नहीं दूंगा। क्या बात है। आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई और बोले जो भी प्रेम करता दिखे उसे ये लठ मारो। वाह,
यूपी में लव कभी ना करना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना, खाने पड़ेंगे लठ भी वरना। छोरी का बाप क्या शत्रु कम है, योगी जी ये डबल सितम है। यूपी में लव कभी ना करना। ये थी आशिक नंबर एक की पीड़ा। दूसरे की सुनो। जेब सब खोल कर झूठ सो बोल कर, मैंने लड़की पटाई मजा गया, प्रेम के राग में ले गया बाग में, तुमने कर दी धुलाई मजा गया। जिसके आगे न पीछे सखाना सखी, अब तक बंदर ने अदरक नहीं है चखी, आशिकी का असर वो क्या समझे मगर, जो न रखता लुगाई मजा गया। मजा आया? एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। देखिए तालियां बजाते रहना चाहिए। ताली बजाने में एक टेक्निकल कंसेप्ट भी है। हम कितना सांस लेंगे कोटा फिक्स है, हम कितना बोलेंगे, कितना चलेंगे, कितना नहाएंगे, कितना धोएंगे, कितना सोएंगे, कितना खोएंगे, कितना पाएंगे, सब चीज़ों का कोटा फिक्स है। उसी तरीके से तालियों का कोटा भी फिक्स है। वो कोटा हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। अगर हमने उसमें से कुछ बचा लिया तो अगला जन्म भगवान हमें एक विशेष देता है, जिसमें हमें घर घर जाके तालियां बजानी पड़ती है। क्या बात। तो यही सार इस बात में है कि आपका अगले जन्म आपके हाथ में है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक अपने देश में अखंड कुमारे कौन, राहुल गांधी, सुशील जी भाई साहब जी के बहुत बढ़िया दारू। राहुल गांधी वो चिंतन करने गए कहां, बैंकॉक। मेरे युवा दोस्तों, बैंकॉक में सब कुछ हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता। खाली पीली 18 दिन बैंकॉक गया रे, इंडिया समझे की है शोक नया रे, पहले भी काटे दो चार चक्कर, अब के मारी जो मोदी ने टक्कर, मौका ताड़ लिया, सब कुछ झाड़ लिया, कुर्ता फाड़ लिया, कन्या नहीं लगी हाथ, गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। उनके जीजा जी का अलग ही दुख है। गए ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी गए ससुर जी पीछे छोड़ी, गए ससुर जी पीछे छोड़ी इटली वाली सास, ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास, ऊपर से ना हुआ साला पप्पू भी पास, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ताली बजानी है इस पे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, एक बंद आंख बाबा रखता मनी से चक्कर, दूजा है जेल में था जिसका हनी से चक्कर, पंचेड़ बूटी खा के बापू दिखाए खेला, अटकी कृपा तभी से और हो गया झमेला। क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, हाय पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार, हाय रे इमोशनल अत्याचार, हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार, हाय रे इमोशनल अत्याचार। हम कितने मूर्ख बनाए गए हैं हर बात में। नहीं राज भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा कि दुश्मनी को छोड़ मीत की बात कर,
दुश्मनी को छोड़, मीत की बात कर, नफरत को छोड़, प्रीत की बात कर, हंसी ठाके पैरोडियां बात हो गई, एडीजे साहब बैठे हैं गीत की बात कर। बस पैरोडी उसके बाद मैं जा रहा हूँ, आपका जो महत्वपूर्ण गीत है शहीद वाला या कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल, एडीजे साहब बैठे हैं, ऐसे श्रोता नहीं मिलेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप राज साहब के लिए बजाएं। ये मंच केवल इसलिए चिंतित है कि सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि कवि सम्मेलन एकदम अपने रास्ते पर है तो पूरा सदन एक बार पुरजोर तालियां बजाकर हमें बताए। एडीजे सर क्या है कि काफी दिनों बाद पहरोड में कवि सम्मेलन हो रहा है, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी, हर साल अगर होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ठहाका लगाना है, कहाँ तालियां बजानी है। इनकी समस्या वो नहीं है, ताली तो बजाने, लेकिन यह एडीजे साहब के सामने बजाने लग जाए कोर्ट में बजाती तो ये तो डरे इसलिए ना, एडीजे साहब का सम्मान है, धीरे धीरे। चलिए अंतिम पैरोडी, उसके बाद मैं आपको कविता, विशुद्ध कविता की तरफ लेके चलूंगा। हाय रे एक बूढ़ा अन्ना, पब्लिक को समझे गन्ना, चूसे और थूके बार बार, हाय रे इमोशनल अत्याचार, आया लंगोटी वाला खटका उसको धन काला, आया लंगोटी वाला खटका उसको धन काला, योगों की छोड़ी माला दिल्ली में डेरा डाला, दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला, दिल्ली पुलिस पर निकली दुष्टों की बड़की खाला, उल्टे पड़े हथकंडे पड़ने लगे जब डंडे, निकले पहन के सलवार, हाय रे इमोशनल अत्याचार। आइए दोस्तों, बहुत बड़ा आदेश हो चुका है मंच से। प्रताप दादा और कमल दादा ने कहा कि कविता अभी तक नहीं हुई है मंच से, केवल हंसी की बातें, केवल ठहाकों की बातें हुई हैं। मैं आपको कविता की तरफ मोड़ना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर आदेशित करे कि मैं कविताएं सुनाऊंगा। हमारे कुनबे के बड़े कवि बाल कवि बैरागी कहीं लिखते हैं कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा। अब जो लोग विशुद्ध कविता, विशुद्ध पोएट्री सुनने आए हैं, उनका ध्यान चाहूंगा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, क्रुद्ध होकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो। ये जिम्मेदारियों भरा मंच है साहब, ये जिम्मेदारियों भरा कार्यक्रम है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं। हम आपको शब्द चेतना जागृति दे सकते हैं, उसे सहेजना, उसे अपने साथ ले जाना आपकी जिम्मेदारियां। आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, एक बेटा फॉरेन में रहता है, भैया इको खत्म कर दो, भैया इको एक बेटा फॉरेन में रहता है, मुंबई आता है विले पार्ले में, अपने फ्लैट में पहुंचता है, 5 घंटे तक दरवाजा खटखटाता है, अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर माँ का कंकाल मिलता है, आप सब लोगों ने देखा होगा। स्वागत। तब एक कवि मन में बात आई कि खुश नसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, खुश नसीबी को बेपरवाह टाल देते हैं, दुआएं मुफ्त की कचरे में डाल देते हैं, और बदनसीबी का सबब इससे बड़ा क्या होगा, छोड़कर माँ बाप को कुत्तों को पाल लेते हैं। सफेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर, बादल जब तक काले नहीं होते तब तक बारिश नहीं होती साहब, बादल भले ही कितने गहरे हों, सफेद होंगे, बारिश नहीं होगी, जब उनमें पानी भर जाता है तब वो काले हो जाते हैं, लेकिन मानव जीवन में इसका विपरीत है। बुजुर्गों, जब तक आदमी जवान रहता है उसमें स्नेह ममत्व नहीं पैदा होता, लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग हो जाता है उसमें स्नेह, उसमें ममता ज्यादा आ जाती है। सफेद रंग है इन बूढ़े बादलों का पर, दुआ में बेटे की अक्सर ही बरस जाते हैं, कभी मेला दिखाया था जिन्होंने कांधों पर, जनाजे उनके भी कांधों को तरस जाते हैं, जनाजे उनके भी कांधों को तरस जाते हैं। बहुत सारी बातें हुई साहब, राजनीति की मुन्ना भाई करके गए। एक आदमी, एक प्राणी खड़ा होता है जेएनयू में,
मेरे युवा दोस्तों, हमें शायद ये लगता है कि हम मल्टीमीडिया, मल्टी चैनल, मल्टी टास्क, मल्टी पर्पज, मल्टी शोज, मल्टी टैलेंट के जमाने में रहने वाले लोग, हमें ऐसा लगता है कि इन बुजुर्गों को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर ये हमें पैदा कर सकते हैं तो ये सब कुछ जानते हैं। क्या बात है, जिंदा बात। जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं, क्या बात है, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। मुझे पता है मेरे युवा दोस्त शायद इन बातों को नहीं सुनेंगे, लेकिन जितने बुजुर्ग दिल से सुन रहे हैं, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं, उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे, उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें, मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें, मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। जवान दोस्तों, 20 मिनट की मोहब्बत को देखकर 120 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने वाले मेरे 20 साल की जवान पीढ़ी अगर 20 सेकेंड बाइक पर बैठने के बाद इतना सोच ले कि घर पे 20 साल की ममता केवल इसलिए चिंतित है कि बेटा शाम को सब्जी कौन सी खाएगा, तो मैं दावा करता हूँ सड़क पर होने वाले 50% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। जिंदाबाद, क्या बात कही राजेश। मर्दानगी किसी अप्सरा के लिए मोटरसाइकिल तेज भगाने में नहीं है साहब। मैं 8-10 पंक्तियों में बहरोड, अभी तक आपने सुना ना सुना मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज की रात जो अब तक नहीं हो पाया इस कवि सम्मेलन में, वो करने जा रहा हूं। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। 8-10 पंक्तियों में मैं जवानी की असली निशानी बताना चाहता हूँ, जवानी मर्दानगी की असली निशानी बताना चाहता हूँ कि जवान रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, जवान रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया। भगत सिंह को जब कहा कि तुम्हारी शादी करेंगे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी दुल्हन मेरी आजादी है, मैं उसे भरूंगा, उसके साथ विवाह करूंगा। तकिया तकिए के नीचे पत्र रखा और घर छोड़कर चले गए। कि जवान रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया, उसे प्यारा नहीं था पायलों का शोर मतवाला, नहीं थी आरजू पंखा झिलाए रूप सी बाला, नहीं उसको खनकती चूड़ियों का गीत प्यारा था, किसी भी हूर पर ना वो कभी दिलजान हारा था, न खोले मोड़ उसने थे कभी चाहत भरे खत के, न सुलझाने कभी बैठा उलझते के शुल्फत के, वो शायर था हवाओं का बड़ा मदमस्त मोला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था, महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास लिख डाला, फिरंगी राज का मानो की सत्यानाश लिख डाला, पहन कर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी, खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो बात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद राज। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, आए हाय, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती। सोचिए साहब कि अगर आपको ये पता चले कि अगले महीने, ये कविता है क्या बात है राज, कविता क्या होती है राज सुनो, कि बात जो कृष्ण के मुख से निकले बात वो गीता हो जाती है, बात जो कृष्ण के मुख से निकले बात वो गीता हो जाती है, हिमगिरी से पावन नद निकले वो भी सरिता हो जाती है, मैं तो कुछ शब्दों को बस उलट पुलट सा करता हूँ,
आप उसे छू देते हो तो वो कविता हो जाती है, आप उसे छू देते हो तो वो कविता हो जाती है। इन कवि की कविताओं को जब आप तालियों से छू देते हो तो कविता हो जाती है। सर एक बार जोरदार तालियां बजाए अगर इस बच्चे ने कुछ कहा हो तो। मरने का वो औकात क्या होती, वो मैं देखने आई मर्द की जात क्या होती। साहब सहज एक अंदाजा लगाइए, सहज एक मन अगर अपने दोस्तों के लिए उनके अधिकारों के लिए आमरण अनशन तक किया, लेकिन जब फांसी से 3 दिन पहले उनका वजन नापा गया तो 6.5 किलो ज्यादा था। क्या बात है, जिंदाबाद। तब जेलर ने जाकर अपने घर बताया कि यहाँ भारत में ऐसे वीर पुरुष हैं जो मौत के सामने खड़े हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है। तब उनके घर से उनकी औरतें, उनकी बेटियां अंग्रेजों की, वो जेल में आई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को देखने। ये होती है असली मर्दानगी। क्या बात है, क्या बात राज। उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए, उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए। घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए, सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पे तो नजर वो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी वो फंदा चूम कर बोला। बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी। दोस्तों श्रेष्ठ कविता के लिए अगर आप श्रेष्ठ आशीर्वाद नहीं देंगे तो मन हमारा भी टूटेगा। मैं चाहता हूँ पूरा सदन हाथ खड़े करे, एक बार जोरदार तालियां बजाए। जिंदाबाद। क्या बात, 10 साल की जगह 2 साल भी जोशी थी इनको बढ़ा देते ना आप तो ये दिन भी आते। लेकिन दोष किसे दें साहब, जिस दिन वोट देने की जो की बारी आती है हम जातिवाद में धर्म में बट जाते हैं, हम मतलब में बट जाते हैं। मैं चौथी पंक्ति पर दावा करता हूं आपको ये एहसास करा दूंगा कि सारी कमियां हमारी थी, कि जिनको सलीका नहीं कैची भी पकड़ने का वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए, जिनको सलीका नहीं कैची पकड़ने का वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए। फाड़ना तिरंगा और गाली देना देश को ही आजकल भारत में किससे आम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। एक शहीद हुए साहब मोहनचंद शर्मा, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा। राजनीति से जुड़े लोग बैठे हों भले ही, मेरी माँ मुझसे बहुत बार कहती है कि तू नेताओं के खिलाफ मत बोला कर भाया, पूर्ण से नेता को दिमाग खराब हो जाता, नहीं अगले नानो जानो पड़े। तो मैं मेरी माँ को कहता हूँ, माँ प्रताप दादा इन पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। उन्हें हो नाज ताकत पर, उन्हें हो नाज ताकत पर भले मुझको गिला नहीं, मेरी गुर्बत झुकाकर सर मगर गुजरा नहीं करती। झुके वो शोक से जिनको पड़ी है नाच की आदत, कलम हूं मैं कलम दरबार में मुजरा नहीं करती। जिंदाबाद। क्या बात कही है दादा। एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जब शहीद हो गए साहब, तत्कालीन सरकार ने, किसी की भी रही हो आप सब समझदार हैं, तत्कालीन सरकार ने उनके घर एक नोटिस भेजा कि इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट डाइड इन ए फेक एनकाउंटर। आपको यह प्रूव करना है, आपको यह साबित करना है कि आप किसी फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं। तब मुझसे किसी ने पूछा कि भैया ये नेता लोग शहीद को शहीद क्यों नहीं मानते। तब बात मैंने सलीके की कही, अगर आपके मन की बात हो तो पूरा सदन आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा मुफलिसी के आंसुओं को फरियाद नहीं मानते, मुफलिसी के आंसुओं को फरियाद नहीं मानते, मन में पाप भरा है अवसाद नहीं मानते,
ये ना माने शहीद को शहीद तो क्या ताज्जुब, ये तो बिना डीएनए टेस्ट के औलाद को औलाद नहीं मान। हाय हाय जिंदाबाद, क्या बात है राज। शहादत को सियासत की छुरी से काटने वाले, क्या बात है। शहादत को सियासत की छुरी से काटने वाले वो क्या समझे मोहब्बत को, है नफरत बांटने वाले। हुई खुदारियों की कोख से पैदा शहादत है, वतन की बात करते हैं ये तलवे चाटने वाले, वतन की बात करते हैं ये तलवे चाटने वाले। विशेष रूप से अंतिम 5 मिनट आपके बीच हूँ, एक मुक्तक और एक गीत सुनाकर अपना स्थान पाकर लूंगा। चेतना चाहता हूँ आपकी। स्वागत। अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरे प्रार्थना की पंक्तियाँ हैं। स्वागत। एक शहीद और हुए साहब कारगिल में, कैप्टन मनोज पांडे, एलओसी फिल्म आप सबने देखी, उसमें अजय देवगन जिनका किरदार निभा रहे हैं वो मनोज पांडे, 2 दिन पहले अपनी माँ को फ़ोन किया, शहादत से 2 दिन पहले, और जब फ़ोन रखने का समय आया तो माँ ने 4 शब्द कहे थे कि बेटा अपना ख्याल रखना। इन 4 शब्दों में दुनिया भर का डर, दुनिया भर का भय, दुनिया भर का दर्द छिपा हुआ था। वो दर्द मनोज पांडे ने समझ लिया और मनोज पांडे ने जो जवाब दिया वो मैं पढ़ता हूँ। शब्द उनके हैं, कविता मेरी है। अगर आपको लगे कि ऐसा जवाब केवल भारत माता का बेटा दे सकता है तो तालियां मेरे लिए नहीं, उस दिवंगत आत्मा के लिए जिसने जवानी में अपने प्राण हमारे लिए आहूत कर दिए। मनोज पांडे ने कहा, मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी, मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी, तेरे बेटे की सुन मारती दुनिया उतारेगी, वतन के रास्ते में जो मुझे घर मौत आए तो मैं उसको, क्या बात है, मैं उस वापस पढ़ो, वतन के रास्ते में, मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी, तेरे बेटे की सुन मार दी दुनिया उतारेगी, वतन के रास्ते में जो मुझे घर मौत आए तो मैं उसको मार डालूंगा, मुझे क्या मौत मारेगी, मैं उसको मार डालूंगा, मुझे क्या मौत मारेगी। प्रताप दा, राजस्थान आप खूब आते हैं, राजस्थान के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए आपको, हम सब राजस्थानी हैं। मैं भारतीय नौसेना में था सर, एडीजे सर, मेरे पे किसी ने तंज किया, एक उत्तर प्रदेश का आदमी बैठा था मेरे सामने, खैर अपना भाई है, लेकिन मजाक की और मैंने भी उनके साथ मजाक की। डाइनिंग हॉल में टेबल पे बैठे बैठे सामने से एक तंज आया कि राजस्थान में क्या है, हमारे यहाँ देखो भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री राम आए, राजस्थान में कौन आया। मैंने सलीके से जवाब दिया एडी जी सर, मैं बोला भैया पुलिस वहीं आती है जहाँ चोर होते हैं। क्या बात है, हमें जरूरत नहीं थी। 4 पंक्तियों में राजस्थान का स्वाभिमान समेटना चाहता हूँ। अगर आपको लगे वो राजस्थान जो आपके सीने में धड़कता है उसको मैंने ऊंचाइयां देने की कोशिश की है, अगर लगे कि बात सलीके की है तो अपनी मातृभूमि के लिए तालियां बजाइएगा। कि नारियल संग बांस जोड़ दे साज हो जाता है, वाह। रावण था देखा है क्या साहब,
कुछ नहीं लगता उसमें, एक आधा नारियल और एक बांस का डंडा, साज तैयार। कि नारियल संग बांस जोड़ दे साज हो जाता है, मूछों संग साफे में शाही अंदाज हो जाता है। और अपनी क्या तारीफ करें, अपना तो जो पत्थर भी पड़े मकबरे पे मकबरा ताज हो जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। अब गीत, अब वो गीत, दो बंद का वो गीत, वो पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत। जहां आपको लगेगी वास्तव में तालियां बजानी चाहिए तो रिदम के साथ तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाइए। स्वागत। एक शहीद कहीं बर्फ के नीचे दबा है और वो अपने एक मित्र से एक गुजारिश कर रहा है। बस इतनी सी भूमिका है। छोटा कवि हूँ, इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि मैंने एक शहीद का मित्र सलीके से पहचान लिया तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे लगेगा मेरा लिखना सार्थक हो गया। स्वागत। बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, अब तो मुझे उठा दे तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, अब तो मुझे उठा दे तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। पहले वन में अपने दोस्त को बुलाना देता है, तेरे लिए ऐ यार मेरे मैं सब रिश्तों को तोड़ चला, तेरे लिए ऐ यार मेरे मैं सब रिश्तों को तोड़ चला, छोड़ छड़ी बाबूजी की मैं माँ का आंचल छोड़ चला, बाट जोहती बहना की मैंने रेशम डोरी छोड़ी, तेरी इज्जत की कसम उठाई परिणय की रस्में तोड़ी, कहकर आया था मिलने को, कहकर आया था मिलने को, उनसे मुझे मिला दे तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। अंतिम बंद एक विशेष किरदार के लिए एक विशेष संदेश। उस आंगन में मेरी आधी सांसें छम छम चलती हैं, आए है। उस आंगन में मेरी आधी सांसें छम छम चलती हैं, मेरे ख्यालों में बगली की उंगलियां भी जलती हैं, उससे कहना उसका आधा तन में लेकर जाता हूँ, अगले जन्म मैं पुनः वरूंगा वचन ये देकर जाता हूँ, उसके माथे के रंगों में हो, उसके माथे के रंगों में अपने रंग मिला दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है, क्या बात है। जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है, मेरा कर्म मात्र भारत की गौरव गाथा लिखना है, तन भी भारत मन भी भारत, भारत है भगवान मेरा, श्वास श्वास पर केवल मुझको भारत माता लिखना है। जिंदाबाद। राजनीति सेवा नहीं मित्र, आजकल धंधा है। राजनीति सेवा नहीं है मित्र, आजकल धंधा है। और बस इसी बात पर मेरा मन शर्मिंदा है। अरे शहीद तो हमारे दिलों से कब तक मर चुके, इस देश में आज भी दिलों में जिन्ना जिंदा है, इस देश में दिलों में आज भी जिन्ना जिंदा है। जब जिन्ना को हम लोग जिंदा रखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। फिर अपने को क्या लेना देना, छोरे को कहा था बिना पालतू तो। आके लिखा हुआ हंसने के लिए आए हैं। और एडी जी साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज आप अपने आपको रिफ्रेश मोड पे कर दो, आज आप ही हमारे टारगेट हैं। हम चाहते हैं, बहुत कठिन होता है सर, एक जज का जीवन बड़ा नियमित होता है सर, अनुशासित होता है। और वह जब हमारे बीच आए हम चाहते हैं कि उनको हंसाएं, उनको खूब गुदगुदाएं, और हंसाते हुए अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। और ये सीमाएं रखना बहुत जरूरी होता है सर, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक अद्भुत फनकार जिनको YouTube पे आप खूब देखते हो, एक ऐसा कलमकार जो शाहजहांपुर की धरती से उठा
अपने विशेष अंदाज के लिए जिसे जाना गया, मैं चाहता हूं आप लोग उसको तब तक सुनो बैरोड वाले, जब तक आपका मन करे। एक जैसा भी नई हास्य की विधा देखना, एक ऐसा बच्चा, मेरा दावा है आप में से जिसने ताली नहीं बजाई, अगर ये बच्चा अपने ताली अपने कविता के बल पे आपसे ताली नहीं बजवा ले तो मानना मत के देसी घी में डालता है। ऐसे देसी घी को बुलाता हूं जिसको देखने मात्र से कईयों के जापे सुधर जाए। आजकल 5 किलो मिलता है, आप इसको राष्ट्रीय योजना का डब्बा समझे। आज 1400 रुपए के साथ 5 किलो की मिट्टी और आकर के देसी घी का खूब आनंद ले। माताएं बहने ताड़ियां बजाओ, देसी घी सबसे ज्यादा आपके ही काम आता है। देसी घी का पीपा, देसी घी आदरणीय, मेरी तो कंडीशन ही ऐसी, मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। सुधांशु जी भगवान के कसम, अगर मेरी पत्नी का जवाब ठीक ठाक लगे तो मुझे बताना, मैं कविता प्रारंभ करूंगा। पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती कि तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कर सुनो रे, वो कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। अरे वाह, टेंशन है देश के अंदर। बढ़िया बढ़िया दिनेश भैया, अभी चर्चा हो रही थी खाना खाते समय, वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। वो चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्यों चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी सुधांशु जी? क्यों आवश्यकता पड़ी सुशील जी? उसका मात्र कारण बस इतना था, और कई कारण सही बता दिया हो मैंने तो मुझे बताना कि मैं कहां तक कविता पाठ कर सकूंगा आपके बीच खड़े होकर। क्यों चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता पड़ी? कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुपलाम हो गया था, कभी मल शीतलाम हो गया था, और भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरा देश भी मेरे ही तरह जिंदाबाद 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 वाह विकलांग हो गया था, इसलिए चाय बनाने वाले को। लेकिन चाय बनाने वाले से अपन इतनी बात जरूर कहेंगे सुधांशु जी, चाय बनाने वाले को इतनी बात कहेंगे, जो आदा किया निभाना पड़ेगा। फट जाए चट्टी चाय, फट जाए पजामा, काला धन लाना पड़ेगा। वरना पब्लिक पूछेगी राज भाई क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है सुधांशु जी, बदलते रहते हैं। जैसे हमारे बाबा जी को भाग्य बदले, आपने देखा 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाना भी ऐसा ही सुनाई दिया, हम कहीं सुन बजाएं तो गाना आजकल ऐसे ही बाबाओं के कारण सुनाई देता है। धरती सुनहरी, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। वाह, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी उनको पकड़ के ले गए तिहाड़ जेल में। अब जैसे सुधांशु जी तिहाड़ जेल में पकड़ के ले गए यादव जी, तो वहां राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से आसाराम जी ने वेलकम किया, उनका स्वागत किया। और स्वागत करते हुए आसाराम जी ने राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, साउंड बजे आपका, जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ा जोर से करो जिंदाबाद। नहीं वैसे साउंड बहुत बढ़िया है, शाबाश। और साउंड बढ़िया है, लेकिन बाबाओं का परिवेश खराब था तो उन्होंने कहा, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घन
पकड़ाया। आपस में चर्चा चल रही थी फौजदार जी मुकेश भाई तो रामपाल जी आ गए। रामपाल जी कहने लगे कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। अरे जियो कहकर जियो बात का खत्म नहीं आते। वो आ गए अब्दुल करीम टुंडा। वो टुंडा आके कहने लगा सुशील भैया टुंडा भी देखो आया बापू तेरे आंगन में। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। लेकिन अपन ज्यादा ज्ञान की बातें आपके बीच नहीं करते हुए आनंद और मनोरंजन की बातें करें। साउंड बहुत बढ़िया आपका। साउंड का खेल होता है। मैंने एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, माइक वाले भाई साहब ने मना कर दिया, हाथ मत लगाना करंट मारता है। अब पंडित जी की माइक पकड़ के कथा करने की आदत पड़ी। उन्होंने कथा स्टार्ट की, सज्जना राजा से छुपते मुड़ी से कहने लगे कि राजन मैं ना सिंह से सस्ता नहीं, मैं ना दादा बाबा बहुत ही जब की वो करंट मार दिया। वाह वाह वाह, ये खेल साउंड का होता है। साउंड बहुत बढ़िया है आपका। आदरणीय अनिल जी, प्रमोद जी, अग्रवाल जी, वो पुराने जमाने में आपने देखा होगा साउंड टेप रिकॉर्डर चलती थी, टेप रिकॉर्डर पुराने जमाने में रील वाली। पीके के पोस्टर में आमिर खान लेके खड़ा है। वो गाना कहीं अगर वाल्टर जाता कम होता तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गाँव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते के दो चार बुजुर्ग में डोकर नहीं पड़ जाते। जो छोरों ने कैसेट लगाई गाना जो बिगड़ा, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बड़ी मां से प्यार तब तक। अद्भुत, साउंड बहुत बढ़िया है। भाभी जी नवरात्रि में दादी बाजी पड़ गई, जो छोरों ने कैसेट लगाई मैया जी ने वो लोग मिला ले होते हैं मैया जी का निकल गए दादी। फौजदार जी उससे पहले वो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन आदरणीय। अरे क्या बात है आपकी माला। थैंक यू थैंक यू। सुजलाम सुफलाम वाले से निकलाम। अरे भैया कमाल है। ये क्या साउंड का खेल होता है। वो पुराने जमाना ग्रामोफोन, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं को वहीं आ जाता था। गाना हो आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। वही अटका रहता वो। फौजदार जी छोरों जो कैसी बधाई पंकज उदास की गजल की, और जो कैसी लटकी डोली में जब बैठी बहना रसता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का। ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी झेल के रहेगी। अरे कमाल, साउंड बहुत बढ़िया आपका। साउंड का खेल होता है। नजरे नजरे जो बदली तो नजारे बदल गए, और रूई के भाव बढ़े तो पिंजारे बदल गए। नजरों का खेल होता है साहब। माता बहने यहाँ पर बैठी है, ये तो नारेश पूजनते रमनते तत्र देवता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने योजना प्रारंभ की, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान। इस बेटी बचाओ अभियान से बाबा जी प्रभावित हो गए।
जगह जगह जाकर बेटी का महत्व महिलाओं को बताने लगे, प्रवचन देने लगे, बेटियों के बारे में समझाने लगे और कहने लगे कि देवियों जितना भी पूजन निर्मते तत्व देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसकी यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ दो कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के दो दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ तीन कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के तीन दरवाजे खोल देता है। तो ये महिला खड़ी है कि अरे महाराज जी स्वर्ग का दरवाजा कितना है? पंडित जी कहने लगे कि देवी स्वर्ग के सात दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ सात कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के सात दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों रे महाराज मारा करे नौ कन्या, दो दरवाजे कौन घर बाप खोलेगा? कंफ्यूजन हो जाए। साउंड बहुत बढ़िया है, साउंड का खेल होता है सुधांशु जी, और साउंड अपना भी सुधरेगा, अपने भी अच्छे दिन आएंगे, टाइम लगेगा। देश के अंदर बातें होती है साहब, कोई बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे कहीं कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे, काय के लिए छुरी रखी, काय के लिए छुरी रखे बेवकूफ के मुंह पे, बोलता भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एडी साहब मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, गोलदार जी बैठे यहाँ पर, गोलदार जी बैठे यहाँ पर, वो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे माँ के महत्व को क्या समझता है बेवकूफ? जिस दिन माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन अपनी कही बात पर पछताएगा। बकरुद्दीन मवेशी, यही नाम है उसका, बकरुद्दीन मवेशी, जिस दिन वो अपने माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन कहीं बात तो पछताएगा। क्या होती है माँ? लायंस क्लब और दैनिक जागरण के तत्वधान में जो कवि सम्मेलन हो, चिंतन की बातें भी होनी चाहिए साहब। दैनिक भास्कर, अभी दैनिक जागरण से आए ना, दैनिक भास्कर तो वो भास्कर है साहब, सुबह से लेकर शाम तक चैतन्य पर रहता है और घरों घर तक अखबार घर घर तक जाकर चेतना फैलाता है। और वो बेवकूफ कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सबसे भारी है। ये मैंने ही नहीं, वेदों ने भी कहा है, हमें जन्म देने के लिए 9 महीने की पीड़ा को उस माँ ने सहा है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। सुनना मेरे दोस्तों, मैं हंसाऊंगा रात भर, लेकिन माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन नगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया, तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। कैसे संस्कार हो गए साहब हमारे? बढ़िया दिनेश भाई, साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन देश का परिवेश खराब पड़ा हुआ है हमारा। क्या स्थिति हो गई आदरणीय सुधांशु जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ, सुशील जी, क्या स्थिति हो गई हमारी? लेकिन सुनना कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये दो पंक्तियां जिंदगी भर याद रखना, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ तीन चार बेटों को पाल लेती है, तुम तीन चार बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ खाली नहीं जाती, चार चार बच्चों को पाल लेती वो माँ, और जब हम बड़े होते तो वो माँ हमसे पाली नहीं जाती। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, यही करते हैं मंदिर में, प्रवचन सुनते हैं, जय बोलते हैं, मुकेश भाई बैठे यहाँ पर, गौ माता की बोल दीजिए एक बार पूरा सदन, गौ माता की। वो खेत में आ जाए तो छोरा डंडा की दे, ये कंडीशन है, जिसकी जय बोल के जाते हैं उसी को डंडे की मारते हैं हम लोग, यही करते हैं ना। पतन हो गया संस्कृति का,
पतन हो गया तब जाकर बेवकूफ कोई कहता है कि मैं पूरा का पूरा कश्मीर लूंगा। बिलावल भुट्टो कहता है कि पूरा का पूरा कश्मीर लूंगा, अरे पूरा का पूरा कश्मीर तेरे को कैसे दे देंगे, एडीएम साहब कैसे दे देंगे, हम नहीं देंगे पूरा कश्मीर, नहीं देंगे भारतीय खुला ले सर, नहीं देंगे अपन पूरा कश्मीर। उसका मात्र कारण बस इतना है कि पूरा का पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। बेवकूफ को मांगना भी नहीं आता, उसके तो कंडीशन ऐसी कि भिखारी ए बाबू 100 रुपया दे दो बाबू, गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस चलाऊंगा। मैंने कहा बेवकूफ भिखारी होकर गर्लफ्रेंड बनाया? बोले नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। भीख मंगने की आदत पड़ गई है, फिर तो पूरा का पूरा कश्मीर लेंगे। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो छूटती नहीं है। मुकेश भाई हमारे मोहल्ले में 3 नवाब रहते थे, तीनों नवाबों की आदत पड़ गई हर बात के पीछे तकिया कलाम लगाने की। तकिया कलाम का अर्थ होता है एक ही शब्द रिपीट करना। पहले वाले नवाब कहीं भी जाते तो बोलते जूते खाके, किसी की शादी में चले जाते बोलते जूते खाके, अकेले अकेले शादी कर ली जूते खाके, दुल्हन का छिमिए जूते खाके, हमें नहीं बुलाए जूते खाके। दूसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपकी दुआ से बोलने की, कहीं भी जाते तो बोलते आपकी दुआ से। एक बार उनके चाचा जी शांत हो गए तो लोग बैठने के लिए घर पे आए, बोले चाचा जी को क्या हुआ था, अब आप कुछ मत पूछो आपकी दुआ से, चाचा जी महीने भर से बीमार रहे आपकी दुआ से, डॉक्टर का खूब इलाज चला आपकी दुआ से, लेकिन चाचा जी फिर भी निपट गए आपकी दुआ से। तीसरे वाले नवाब की आदत पड़ी थी आपके मुंह में बोलने की, कहीं भी जाते तो बोलते आपके मुंह में। चुनाव बाद सरपंच साहब को पकड़ लिया, बोले क्या बात है सरपंच साहब आपके मुंह में, चुनाव पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके मुंह में, वो करवा देंगे आपके मुंह में, अबे खरंजा उखड़ रहा आपके मुंह में, ये गजर बदबू मार रही है आपके मुंह में, आदत पड़ जाती है। तो होता क्या, एक दिन चोरी हो जाती है, इनके यहाँ चोरी हो जाती है, जो आपकी दुआ से बोलने वाले उनके यहाँ चोरी हो जाती है। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया जूते खाके ने, हम अभी यहाँ घर पे हो जूते खाके, हमारा कौन है आपकी दुआ से, हमें जूते खाके। बोले दरवाजा खुला आपकी दुआ से, जैसे अंदर आए सारा सामान बिखरा पड़ा, हमें क्या हाथ बना रखा है जूते खाके, अब आप कुछ मत पूछो आपकी दुआ से, रात को चोर घुस गए आपकी दुआ से, तिजोरी में से माल निकाला आपकी दुआ से, और मैं बोला तो मुझे पटक पटक के मारा आपकी दुआ से, हमें घबराते क्यों जूते खा।